नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा जिला की अगर बात करें तो यहां पर 500 के करीब आंकड़ा जो है, सूत्र बता रहे हैं कि पहुंच गया है कोरोना के संक्रमित मरीजों का। महत्वपूर्ण बात बता दें कि लगातार कोरोना टेस्टिंग हो रहा है पूरे जिला में, और उसमें जिला से निकलकर जैसे कि हायाघाट की अगर बात करें तो यहां पर स्वास्थ्य प्रभारी के साथ साथ 8 लोगों का ये नाम आया था कि लोग जो है संक्रमित हो गए हैं और उन लोगों को होम आइसोलेशन के लिए कहा गया है। इस बीच देख सकते हैं गहन चेकिंग अभियान, मास्क का चालान काट रहे हैं। खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी रागनी शाहू यहां पर मौजूद है और ये हायाघाट का एरिया है जहां पर वो चेकिंग कर रही है। आइए उनसे इंटरव्यू सुनते हैं कि उन्होंने पूरे हायाघाट के जनता को क्या संदेश दिया है, कैसे बचने के लिए कहा है, आइए अब सुनते हैं। विशेष बैठक रखी गई थी, इसमें जन प्रतिनिधि की सहभागिता आवश्यक है। इस सिलसिले में COVID-19 का अनुपालन करते हुए 3 समूहों में बांट करके बैठक की गई, जिसमें माननीय प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य की एक अलग बैठक की गई, पुनः माननीय मुखिया लोगों की अलग बैठक की गई और पुनः माननीय सरपंच लोगों की एक बैठक की गई, जिसमें उन लोगों से आग्रह किया गया कि COVID-19 का अनुपालन पंचायतों में हो, सभी लोग मास्क का उपयोग करें और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। साथ ही यदि पूरे पंचायत में कहीं से भी सूचना प्राप्त होती है कि लगातार 2-3 दिनों से लोग अस्वस्थ हैं, सर्दी खांसी हो रहा है, तो तुरंत उन लोगों को कंट्रोल रूम के नंबर से अवगत कराया गया कि उन नंबर पर वो लोग सूचना दें, ताकि PHC से तुरंत ही डॉक्टर की टीम जाएं, वहाँ उनका टेस्टिंग हो और उन लोगों को किट के बाद उनकी इलाज कराया जाए। इस हेतु उन लोगों को यह भी बताया गया कि प्रखंड में कस्तूरबा विद्यालय में कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन्स के अलावा ट्रीटमेंट हेतु अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 24 घंटा डॉक्टर भी वहाँ उपलब्ध रहेंगे। इसी सिलसिले में सभी लोगों से अनुरोध किया गया कि वे लोग भी अपने पंचायत स्तर में अब स्वयं के द्वारा लोग एक एक लोगों तक संदेश जाए कि कोविड का अनुपालन हो, सभी लोग मास्क पहने, बेवजह घर से नहीं निकलें। इसी संबंध में बैठक की गई थी, जिसमें हमारे प्रखंड के CO साहब, BPRO और मैडम पदाधिकारी उपस्थित। ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट बाजार लग रहा है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग, क्योंकि बिना मास्क के सभी लोग रहते हैं, बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी, उसको लेकर कोई बात हुई है कि नहीं? उसके संबंध में भी बातचीत हुई है कि अधिक से अधिक लोगों को, इसके लिए सबसे बड़ी बात है जागरूकता। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक लोग इसका अनुपालन नहीं कर पाएंगे, मास्क लोग नहीं लगाएंगे। तो इसी सिलसिले में ही बात की गई है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक रहें। प्रखंड के द्वारा भी सभी पंचायतों में माइकिंग कराया जा रहा है ऑटो के द्वारा, कि लोग मास्क का पहना के रखें, भीड़ इकट्ठित एक जगह इकट्ठा नहीं करें। और साथ ही प्रखंड प्रशासन के द्वारा, अंचल अधिकारी, तीनों थाना प्रभारी के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग बिना मास्क का पाए जाते हैं उन्हें आर्थिक रूप से दंडित भी किया जाता है। दुकानों की भी सघन जाँच की जा रही है कि वे लोग मास्क स्वयं भी पहने, और जो ग्राहक बिना मास्क का आते हैं उन्हें मास्क दें या और उनसे आग्रह करें, ताकि यह बहुत तेज़ी से नहीं फैले और सभी लोग सुरक्षित रहें। आने वाले दिनों में हार्ट के जो मालिक हैं उन लोगों से कोई बैठक आप लोगों की मतलब सुनिश्चित है या? अगले 2 दिनों के अंदर अंचल अधिकारी के द्वारा यह बैठक सुनिश्चित किया गया है, उसमें भी यह संदेश हम लोगों के द्वारा उनको दिया जाए। मैडम, आप खुद सड़क पर उतरकर आप मास्क का चालान काट कर मतलब काटा जा रहा है आपके द्वारा या थाना के द्वारा, क्या ये मतलब कहाँ तक आप लोग गए हैं और क्या ये मतलब प्लान क्या है इसका? हम लोग लगातार भीड़ वाले जगहों में, मार्केट जहाँ लग रहे हैं, हाट लग रहे हैं, उसी जगह पर अभी प्रारंभ प्रयास किया जा रहा है। चूँकि ज़्यादा लोग यहाँ होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, और बारी बारी से हम लोग अलग अलग वैसे जगहों पर भी जाएंगे लगातार, जिन जगहों पर ज़्यादा भीड़ होती है, वह पंचायत स्तर का हो, हाट हो, गांव हो, इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। मास्क काटना एक पनिशमेंट, उसका जुर्माना पनिशमेंट नहीं है, एक लेकिन एक मैसेज है। इस माध्यम से हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें।
कोरोना के बीच जन मतलब लोगों के लिए ऐसा कोई योजना है जो अभी चल रहा है पंचायत में, जैसे कि मुख्यमंत्री आवास योजना का फॉर्म अब नहीं भरा जाएगा ऐसा एक मैसेज आया था, हाँ, तो क्या ये सही है? विभाग के द्वारा ही लेटर आया है जिसमें डीडीसी के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है कि चूँकि काफ़ी सभी पंचायतों में RTPS काउंटर पर काफ़ी भीड़ हो रही थी आवेदन लेने में, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। साथ ही वृद्धजनों का जीवन प्रमाणीकरण के लिए भी प्रखंड पर जो शिविर लगाए जा रहे थे वह बंद हो गया है। आपके द्वारा भी एक लेटर निर्गत किया गया? हाँ, मेरे द्वारा भी लेटर इस सिलसिले में दिया गया है और सभी जनप्रतिनिधि से अपील किया गया है कि हर लोगों का प्रमाणीकरण आसपास के निकटतम CSC केंद्रों में जाके करावे ताकि वहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं। आपके तरफ से संदेश क्या रहेगा इस क्षेत्र के लोगों के लिए, खासकर कोरोना का गाइडलाइंस कैसे पालन करें या क्या संदेश देंगे आप मैडम? सभी लोग स्वस्थ रहें, घर से बेवजह नहीं निकलें, विशेष आवश्यकता पड़ने पर निकलें, मास्क का उपयोग जरूर करें, बाहर जब भी निकलें तो लगातार साबुन से अपना हाथ धोएं ताकि स्वयं भी स्वस्थ रहें और पूरे परिवार के लोग स्वस्थ रहें। थोड़ी भी अस्वस्थता होने पर लगातार 2 से 3 दिनों पर सर्दी खांसी बुखार होता है तो PSC को मैसेज दें, हम लोगों को मैसेज दें ताकि डॉक्टर की टीम उनके यहाँ पहुंचकर उनका ट्रीटमेंट कर सके या स्वयं भी पहुंचकर अपना इलाज करा सके। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई बैठक आप लोगों की हुई है अभी इस बीच में इस कोरोना को लेकर? सभी प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ परसों बैठक हम लोगों ने किया था जिसमें यह तय किया गया है कि किस तरह से सभी लोग सुरक्षित रहें और किस तरह से इसका अनुपालन किया जाए। सरकार के द्वारा जो बूस्टर डोज के लिए कहा गया है उसका कोई आप लोगों के पास नोटिफिकेशन या ऐसी कोई बात आया है? चिट्ठी आई है और आज से प्रारंभ भी है, तीसरा डोज भी प्रारंभ हो गया है। जिन लोगों का 9 महीने सेकेंड डोज का पूरा हो गया है उन लोगों का भी हम लोग लगातार मैसेज दे रहे हैं कि वे लोग भी अपना बूस्टर डोज लगवा लें। 15 से 18 वर्ष के जो बच्चों के लिए भी डोज दिया जा रहा है उसके लिए भी सघन प्रचार चल रहा है, गार्जियंस दिलवा भी रहे हैं, सभी लोग प्रतिनिधि का भी इसमें सहयोग लगातार मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद मैडम। इसका भी कर दो लोग का, इसका शौक से रखे हो बाबू है, लगाओ ना, जियो और जीने दो ना दूसरे को, पॉकेट में रख के कोई फायदा है? गुटका खाए अब शर्म नहीं आता, बोलता है गुटका खाए। Ya gel oğlum.